हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साई राम ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि घर में आसानी से पाई जाने वाली चीज़ों से अपने हेयर का ग्रोथ कैसे करें। आइए चलिए देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए, इजियन है, ऑयल है और एलोवेरा, जो कि हर घर में आसानी से उपलब्ध है। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ घर में आसानी से मिलने वाली चीज़ों से इसको लगाने से बाल आपके अच्छे से ग्रोथ करेंगे और एक हफ्ते में आपको रिजल्ट भी पता चल जाएगा। इससे बाल झड़ना भी बंद हो जाएगा। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ये देखिए, ये है आलमंड ड्राफ तेल। आप कोई भी ऑयल ले सकती हैं के पास जो अवेलेबल हो। ऐसे मेरे पास आलमंड ड्राफ था, मैं यही लगाती हूँ तो फिर मैं यही दिखा रही हूँ। और ये है विटामिन ई, जिसको हम लोग ईवीएन 400 भी बोलते हैं, ईवीएन। और ये एलोवेरा, जो लगभग हर किसी के घर में आज के टाइम में आसानी से मिल जाता है। और इसका जूस निकालने के लिए ये कद्दूकस और ये चाकू, बस इतने ही सामान की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं इसको कैसे मिक्स करके लगाना है। एलोवेरा जो है ना, वो आप अपने बाल के हिसाब से ले लीजिएगा, जैसे आपके बाल होंगे उसी हिसाब से ले लीजिएगा। देखिए, मैं तो आसानी से ऐसे निकालने के लिए, आप चाहे तो इसको मिक्सर में डाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं, इससे भी जेल आसानी से निकल जाता है। मार्केट में भी मिल जाता है, लेकिन अब ये है ना, घर का थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहता है, तो फिर मैं इसको ऐसे भी निकाल लेती हूँ। लगभग इतना रहे कि 2 टेबल स्पून, मतलब 2 चम्मच होना चाहिए जूस इसका। टाइम ना गर्मी है तो इस वजह से इसमें ज़्यादा जेल नहीं निकल रहे हैं, सारे धूप से सूख जाते हैं। देखिए, मैंने जेल निकाल लिया है। अब इसमें मैं ऑयल डालूंगी। अब अपने बाल के हिसाब से डालिएगा, जैसे जितना आपका बाल हो उसके हिसाब से। इतना रहे कि आपके बाल में अच्छे से लग जाए। और अब मैं इसमें एक कैप्सूल डालूंगी। आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है, एकदम इतने अच्छे से कि ये तीनों एक में अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहे तो इसको ऐसे फिंगर से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप स्पून से भी कर सकते हैं, बट मैंने फिंगर से ही किया क्योंकि मुझे बाल में लगाना था, तो अभी ऐसे फिंगर से ही लगाना है ना, वो तो स्पून से लग नहीं सकता, इस वजह से मैं इसको फिंगर से ही मिक्स कर रही हूँ। देखिए, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, तीनों चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए, उसके बाद आपको बाल में अप्लाई करना है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और हाँ, आप आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर बजाइएगा और ट्राई भी ज़रूर करिएगा, इससे बहुत जल्दी फ़ायदा मिलता है। मैंने ट्राई करके ही बताया है, मैं खुद पे ट्राई करके फिर आप लोगों को बता रही हूँ। थैंक यू।